हेलो फ्रेंड्स, कुक विद मनीषा में आप सबका स्वागत है। आज की रेसिपी है ब्रेड पकोड़ा। ब्रेड पकोड़ा दो तरह से बनाया जाता है, प्लेन ब्रेड पकोड़ा और स्टफिंग भर के। तो आज की रेसिपी में आप देखेंगे कि आलू की स्टफिंग भर के ब्रेड पकोड़ा कैसे बनाते हैं। ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने 4 उबले हुए आलू लिए हैं। प्रेशर कुकर में मैंने यहाँ पे पहले से ही आलू को बॉईल करके रखा है। आलू के ऊपर का छिलका निकलने के बाद इसे हम कद्दूकस कर लेंगे। यहाँ पे मैंने एक बारीक कटी हुई प्याज ली है, थोड़े से पुदीने के पत्ते, एक छोटा टुकड़ा अदरक का इसके ऊपर का छिलका निकाल लिया है, थोड़े से लहसुन के कलियाँ छिले हुए, 2 कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया। पाउडर मसालों में मैंने यहाँ पे लिया है 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच जीरा और 1/2 छोटा चम्मच मैंने यहाँ पे अमचूर पाउडर लिया है। अगर आपके पास अमचूर पाउडर नहीं है तो आप एक नींबू का रस भी ले सकते हैं। यहाँ पे मैंने 2 कप बेसन लिया है। बेसन का घोल बनाने के लिए 1.5 कप पानी लेंगे और घोल के अंदर डालने के लिए मैंने यहाँ पे फिर से 1/2 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच हल्दी पाउडर, 1/2 छोटा चम्मच अजवाइन, 2 से 3 पिंच इनो, 4 ब्रेड के स्लाइस, 1 बड़ा चम्मच टोमेटो सॉस, ब्रेड पकोड़े तलने के लिए तेल। तो सबसे पहले हम स्टफिंग में डालने के लिए हरी चटनी बना लेते हैं। ग्राइंडर जार के अंदर मैंने यहाँ पे पुदीने के पत्ते डाल दिए हैं, लहसुन के कलियां डाल देंगे और अदरक, अदरक को मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया है, हरी मिर्च डाल देंगे। ग्राइंडर जार को बंद करके इन सारी चीजों को हम दरदरा पीस लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन सारी चीजों को पीस लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं इसे मैंने थोड़ा मोटा ही पीसा है, ये देखिए। यहाँ पे अपनी हरी चटनी बनके रेडी है, इसे हम साइड में रख देंगे। यहाँ पे मैंने गैस ऑन करके पैन को गरम कर लिया है। इसके अंदर डालेंगे लगभग 1 बड़ा चम्मच तेल। तेल गरम होने के बाद इसके अंदर डालेंगे जीरा। जीरा डालने के बाद इसे हम मीडियम फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए भून लेंगे। जीरा तड़कने के बाद अब हम इसके अंदर डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज, प्याज डालने के बाद इसे भी हम हाई फ्लेम पे 2-3 मिनट तक भून लेंगे। प्याज को हमें सुनहरा कलर आने तक अच्छी तरह से भून लेना है। प्याज भूनने के बाद इसके अंदर डालेंगे हरी चटनी जो हमने अभी पीस के रखी थी। इसे भी हम चम्मच लगातार चलाते हुए 1-2 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे भून लेंगे। तो यहाँ पे मैंने इन सारी चीजों को अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और धनिया पाउडर। पाउडर मसाले डालने के बाद इसे मैंने लो फ्लेम पे कुछ सेकंड के लिए भून लिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे उबले हुए आलू। तो यहाँ पे मैंने उबले हुए आलू को किस लिया है, आप चाहे तो इसे मैश करके भी डाल सकते हैं। अब हम इसके अंदर डालेंगे स्वादानुसार नमक। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1/2 छोटा चम्मच इसके अंदर नमक डाला है। अमचूर पाउडर डाल देंगे, अगर अमचूर पाउडर नहीं है तो 1 नींबू का रस भी आप इसके अंदर डाल सकते हैं। कटा हुआ हरा धनिया डालेंगे। इन सारी चीजों को हम लो फ्लेम पे 1-2 मिनट तक मिला देंगे। इसे हमें पकाना नहीं है, बस मिला देना है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इन सारी चीजों को मैंने अच्छी तरह से मिला दिया है। यहाँ पे अपनी आलू की स्टफिंग बनके रेडी है, ये देखिए। अब हम गैस ऑफ कर देंगे और इसे ठंडा होने के लिए साइड में रख देंगे। तब तक हम बेसन का घोल तैयार कर लेते हैं। तो एक बोल के अंदर मैंने 2 कप बेसन डाल दिया है। अब हम इसके अंदर डालेंगे लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर और अजवाइन। अजवाइन हजमट के लिए अच्छा रहता है क्योंकि हम इसके अंदर आलू भी डाल रहे हैं और बेसन भी, तो अजवाइन जरूर डालें। स्वाद अनुसार नमक डाल देंगे थोड़ा सा बस, तो लगभग 1/2 छोटा चम्मच से भी कम नमक डाल दिया है। इन सारी चीज़ों को हम बेसन के अंदर अच्छी तरह से मिला देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसका हम गाढ़ा घोल तैयार कर लेंगे। ये पूरा घोल बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी का इस्तेमाल किया है। इसके अंदर डालेंगे इनो, अगर आपके पास इनो नहीं है तो आप 2-3 पिंच कुकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। इसे भी हम अच्छी तरह से फेटते हुए मिला देंगे। ध्यान रहे घोल हमें बहुत ज़्यादा पतला नहीं चाहिए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं घोल मैंने गाढ़ा बनाया है। और घोल बनाते समय इसे अच्छे तरह से फेटे ताकि इसके अंदर लम्स ना रहे, ये देखिए। इस तरह से मैंने यहाँ पे गाढ़ा घोल बना लिया है। तो यहाँ पे अपना बेसन का घोल भी बनके रेडी है, आलू की स्टफिंग भी ठंडी हो चुकी है। तो चलिए अब हम ब्रेड पकोड़ा बनाने के लिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम ये जो आलू की स्टफिंग है ब्रेड के स्लाइस के ऊपर इस तरह से फैलाते हुए डाल देंगे। आलू की स्टफिंग को हम ब्रेड के चारों कॉर्नर पे इस तरह से स्प्रेड करते हुए लगा देंगे।
तो यहाँ पे मैंने लगभग 2 बड़े चम्मच आलू का मिश्रण लेके ब्रेड के स्लाइस के ऊपर इस तरह से फैला दिया है। अब हम दूसरे ब्रेड के स्लाइस के ऊपर टोमेटो सॉस लगा देंगे। तो यहाँ पे मैंने लगभग 1 बड़ा चम्मच ब्रेड के स्लाइस के ऊपर टोमेटो सॉस अच्छी तरह से लगा दिया है। अब हम क्या करेंगे, ये जो टोमेटो सॉस वाली ब्रेड की स्लाइस है इसे हम आलू की ब्रेड के स्लाइस के ऊपर डाल देंगे। ये देखिए, इस तरह से रख के हम ऊपर से थोड़ा सा प्रेस कर देंगे। दोनों ब्रेड के स्लाइस को एक साथ मिलाने के बाद अब हम इसे बीच में से काट लेंगे। ब्रेड को त्रिकोण आकार में 2 भागों में काट लेंगे। अगर आप तेल खाना नहीं पसंद करते तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे अपना एक सैंडविच बनके रेडी है, आलू सैंडविच। ये देखिए, आप इसे ग्रिल करके भी खा सकते हैं या फिर आप इसे तवे पे सेक के भी खा सकते हैं। बिना तले भी ये सैंडविच खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो ये जो ब्रेड की स्लाइस है इसे आप 2 भागों में और काट सकते हैं, तो यहाँ पे छोटे ब्रेड पकौड़े बन जाएंगे छोटे बच्चों के लिए खाने के लिए, ताकि वो आसानी से खा सके। अब हमें जो ब्रेड की स्लाइस है इसे हम बेसन के घोल में इस तरह से डुबोते हुए अच्छी तरह से मिला देंगे, इसकी कोटिंग कर लेंगे बेसन की। ये देखिए, इस तरह से ब्रेड के तीनों साइड में हमें बेसन का घोल अच्छी तरह से लपेट लेना है। अब हम इसे गरम तेल के अंदर तलने के लिए डाल देंगे। यहाँ पे मैंने तेल को पहले से ही अच्छी तरह से गरम करके रखा था। ब्रेड पकौड़ा हम मीडियम फ्लेम पे गोल्डन कलर आने तक दोनों साइड से तल लेंगे। तो पकौड़ा हमें सुनहरा कलर आने तक अच्छी तरह से दोनों साइड से तल लेना है, और ये जो एक्स्ट्रा बेसन है इसे हम निकाल लेंगे। ब्रेड पकौड़ा यहाँ पे तल के रेडी है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ब्रेड पकौड़ा कितना बढ़िया बना है, और आलू की स्टफिंग बाहर बिल्कुल भी नहीं निकली है क्योंकि हमने बेसन का घोल गाढ़ा बनाया था। अब हम इसे किचन टॉवल के ऊपर निकाल लेंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल किचन टॉवल के अंदर चला जाए। इसी तरह से हम बचे हुए ब्रेड पकौड़े भी बना लेंगे। तो ये जो छोटे वाले मैंने सैंडविच बनाए थे ब्रेड के, ये देखिए, इस तरह से हमें बेसन से अच्छी तरह से लपेट लेना है। इसे भी हम कढ़ाई में तलने के लिए डाल देते हैं, हल्के हाथों से डालें। रेसिपी के इंग्रेडिएंट्स के बारे में आपको सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगी। इन सारे पकौड़ों को भी मैंने गोल्डन कलर आने तक मीडियम फ्लेम पे अच्छी तरह से तल लिया है दोनों साइड से। इसे भी हम प्लेट में निकाल लेंगे। हमेशा एक बात का ध्यान रहे, ब्रेड पकौड़ा तलते समय इसे लो फ्लेम पे ना तले। अगर आप इसे लो फ्लेम पे तलेंगे तो ये बहुत ज्यादा तेल पीते हैं, तो हमेशा मीडियम से हाई फ्लेम पे ही तले। तो यहाँ पे अपने गर्मा गर्म ब्रेड पकौड़ा बन के रेडी है। अब हम इसे एक प्लेट के अंदर सर्व करते हैं। ब्रेड पकौड़ा आप हरी चटनी के साथ भी खा सकते हैं, या फिर आप इसे टोमेटो सॉस या फिर चिली सॉस के साथ भी खा सकते हैं, खाने में बहुत ही अच्छे लगते हैं। ब्रेड पकौड़ा बनाने का तरीका मैंने स्टेप बाय स्टेप दिखाया है, बहुत ही सरल और आसान तरीका बताया है। आप इसे जरूर बना के देखें, बहुत ही अच्छा लगता है खाने में। बेसन का घोल बनाते समय हमने थोड़ा सा इनो डाला है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट बने हैं। ये देखिए, अब मैं आपको इसे बीच में से काट के बताऊंगी। तो ये देखिए, इसे मैंने काट लिया है। आलू की स्टफिंग बनाते समय हमने इसके अंदर अमचूर पाउडर डाला है, तो अमचूर पाउडर डालने से ये जो स्टफिंग है आलू की उसके अंदर थोड़ा खट्टापन आता है, तो ये खाने में और भी स्वादिष्ट लगता है। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई तो प्लीज इसे लाइक करिए, शेयर करिए, और भी आने वाले अच्छे अच्छे रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।